एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय, आदा। मैं आज लेकर आया हूं एक ऐसे भंगी की कहानी जो दिल्ली में शासक बना, दिल्ली की गद्दी पर 4 महीने तक उसने राज किया, शासन किया। जी हाँ, जिसका नाम है कुशक भंगी। मैं वीरेंद्र सिंह, एसएम न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं, अपने महापुरुषों को, अपने संतों गुरुओं को, अपने वीर और वीरांगनाओं को जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए अपने आप को समर्पित किया। आज इसी कड़ी में हम कहानी लेकर के आए हैं कुशक भंगी की, जो 4 महीने तक दिल्ली में जिसने राज किया। कुशक भंगी गुजरात का रहने वाला था। गुजरात में सवर्णों के अत्याचार से, इस व्यवस्था के अत्याचार से उसने मुसलमान धर्म कबूल कर लिया। वो मुस्लिम हो गया धर्म परिवर्तित करके, क्योंकि इस देश में इतिहास रहा है कि ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सताए हुए लोग, पीड़ित लोग, इन्होंने इतने जुल्म, जास्ती, अत्याचार हजारों सालों से किए हैं और आज भी कर रहे हैं। आज भी कोई खास फर्क नहीं आया है इनकी मानसिकता में। तो कुशक भंगी इनकी प्रताड़नाओं का पीड़ित रहा, इस गैर बराबरी की व्यवस्था का, इस जातिवादी व्यवस्था का पीड़ित रहा, और उसने पीछा छुड़ाने के लिए, ये जातिवादी व्यवस्था से, गैर बराबरी की व्यवस्था से पीछा छुड़ाने के लिए मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया, अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया। उस समय, कुछ समय के बाद वो अलाउद्दीन की सेना में भर्ती हो गया। दिल्ली में आकर अलाउद्दीन का राज चलता था, अलाउद्दीन की सेना में भर्ती हो गया, और अलाउद्दीन के द्वितीय पुत्र मुबारक खान ने अपने भाई की आंखें निकलवा ली थी। अलाउद्दीन का जो दूसरा बेटा था उसने अपने भाई की आंखें निकलवा दी थी और राजा बन गया था। कुशक भंगी अपनी योग्यता के अनुसार मुबारक खां के काफी निकट पहुंच गया। मुबारक खां से उसने निवेदन किया कि उसके जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनके जानकार लोग हैं, उनको जो है बिना रोक टोक महल में आने जाने की इजाजत दी जाए। इस बात से मुबारक खां, क्योंकि उसका विश्वास पात्र बन गया था कुशक, तो उसने, मुबारक खां ने इस बात की इजाजत दे दी आने जाने के लिए। तो कुशक भंगी ने अपनी योजना बना रखी थी पहले से ही, ये समझदारी और बुद्धिमानी की बात, एक भंगी होते हुए और एक सिपाही होते हुए, सेना में सिपाही होते हुए मुबारक खां का करीबी बन गया, उसका विश्वास पात्र बन गया, उससे उसने इजाजत ले ली अपने रिश्तेदारों को आने जाने के लिए। और रिश्तेदार जब बहुत सारे उनके यहाँ आते रहे, वो रुकने की व्यवस्था करते रहे वहाँ, और जो रिश्तेदार आते वो कुछ ना कुछ हथियार भी साथ लेकर के आते। जब काफ़ी समय हो गया, बहुत सारे उसने अपने रिश्तेदार मित्र इकट्ठे कर लिए, तो एक दिन योजना अनुसार और उनको सबको योजना बता दी गई, 4 अप्रैल सन 1320 को कुशक ने एक बिगुल बजा दिया। बिगुल होता है जो लड़ाई की सूचना के लिए दिया जाता है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे कुशक भंगी ने बिगुल बजाया, उसके जो साथी थे, सारे साथियों जो भंगी बिरादरी के थे गुजरात के आसपास के, उस महल को घेर लिया और मुबारक खां को पकड़ के मार दिया। मुबारक खान का सिर काट के जो है दरबार में रख दिया गया है। इसके बाद 13 अप्रैल सन 1320 को
कुशक बंगी सिंहासन पर बैठ गया। उसने अपना राज कायम कर लिया और राज कायम करने के बाद उसने फिर धर्म परिवर्तन कर लिया और धर्म परिवर्तन करके फिर से भंगी बन गया। जब फिर से भंगी बन गया तो जो धर्म के ठेकेदार थे मुस्लिम धर्म में, उनको शायद पहले नहीं मालूम था कि ये कुशक भंगी पहले भंगी था मुसलमान बनने से पहले, लेकिन जब दोबारा वो भंगी बन गया तो जो मुस्लिम धर्म के ठेकेदार थे उनको इस बात का जब पता लगा तो उनकी जो थी बहुत आपत्ति हुई, क्योंकि वहाँ धर्म परिवर्तन के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसके बाद उसका जो सीमा रक्षक था गाजी मलिक, जो बहुत ही खुद भी बहुत महत्वाकांक्षी था, उसको भी राज चाहिए था, उसने जो था बाकी मुसलमानों को भड़काया और विद्रोह के लिए उत्तेजित किया कि कुशक भंगी ने मुसलमान को मार के राजा बन गया और राजा बन करके फिर धर्म परिवर्तन करके भंगी बन गया। तो उस आपत्ति के कारण गाजी मलिक ने बहुत सारे मुसलमानों को भड़काया और उसके बाद गाजी मलिक ने ही सबको इकट्ठा करके दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। 5 सितंबर 1320 को कुशक भंगी ने राजधानी से निकलकर इंद्रप्रस्थ के पास, इंद्रप्रस्थ यही दिल्ली के आसपास की जगह है, इंद्रप्रस्थ के बाद विद्रोहियों का मुकाबला किया। उसका एक सेनापति, कुशक भंगी का जो सेनापति था वो सारे मुसलमान थे, एक सेनापति उसका भाग गया, मालवा की ओर चला गया सेना लेकर के, तो उसकी सेना कमजोर पड़ गई कुशक भंगी की। और इस तरीके से कुशक भंगी को जो था जब लड़ाई हुई तो सेना कमजोर पड़ गई, युद्ध में मारा गया 5 सितंबर 1320 को। तो इस तरीके से 4 महीने तक कुशक भंगी ने, इनको कहीं खुसरो भंगी भी लिखा हुआ है, खुसरो भंगी ने 4 महीने तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया और बड़ी दमदारी के साथ मजबूती के साथ राज चलाया। कुशक भंगी के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, अभी मैं नेट पर सर्च कर रहा था तो खुसरो भंगी के दिल्ली सल्तनत पर खुसरो भंगी, दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इसको सर्च करके अगर पढ़ना चाहें तो दिल्ली की सल्तनत पर खुसरो भंगी के नाम से किताब भी लिखी हुई है, आप उस किताब से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये जो कहते हैं कि जो सफाई कर्मचारी, इसका कोई काम नहीं, सिर्फ मैला उठाने का काम करते थे, बुद्धि और योजना होनी चाहिए, विजन होना चाहिए। अगर हमारे अंदर विजन है, बुद्धि है, योजना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये कुशक भंगी ने करके दिखा दिया, एक भंगी होते हुए ईमान, उसने अपनी क्या कहने चाहिए, विजन से काम किया, बुद्धि से काम किया, पहले मुसलमान बना, फिर अलाउद्दीन की सेना में सिपाही भर्ती हुआ, फिर उसका विश्वास पात्र बना, मुबारक खां का विश्वास पात्र बना, और उसके बाद उसने योजना बनाई, योजना में सफल रहा, सफल करके 4 महीने तक राज किया। अब ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कितना दिन तक किया, लेकिन 4 महीने तक राज किया। 4 महीने एक राजा बनने के लिए बहुत हैं, जो कि एक सबसे निचले पायदान का व्यक्ति हिंदू व्यवस्था में, वो अगर राजा बन जाता है तो राजा बनना एक दिन ही, एक दिन का मान सम्मान ही ऐसी गुलामी के जिंदगी से बेहतर है। ये कुशक भंगी ने करके दिखा दिया। और ये सभी जो खास करके अछूत कहे जाते रहे या जो अनप्रिविलेज, जो जातिवादी, जो जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रहे, उनके लिए एक प्रेरणा है, एक मिसाल है कि अगर हम दृढ़ संकल्प कर लें, अगर अपनी योजना विजन को हम ठीक से सोच लें, कर लें, तो कोई काम मुश्किल नहीं है। कुशक भंगी से ये संदेश, ये प्रेरणा सभी
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़े जाति के जो व्यवस्था के सताए हुए लोग हैं, वंचित लोग हैं आज भी, ये तो 1320 की बात है लेकिन देश की आज़ादी के 73 साल बाद भी आज भी तरह तरह के अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और वो सिर झुका करके स्वीकार कर रहे हैं। जैसे अभी गुजरात में कांड हुआ था, 4 इन शूद्रों को गाड़ी से खींच के पीट पीट करके इतनी यातनाएं दी गई थी तो वो पिटते रहे, कुछ भी उन्होंने नहीं कर पाए। तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए खुशक बंगी जैसे लोगों से, प्रेरणा लेनी चाहिए फूलन देवी जैसे लोगों से। फूलन देवी के आज भी बहुत सारे बलात्कार होते हैं और महिलाएं गुमनामी में चली जाती हैं, लेकिन फूलन देवी एक बहुत कमज़ोर महिला थी, निचली जात की थी, कमज़ोर थी। जब उसके किसी घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, किसी ने उसका कोई साथ नहीं दिया, किसी ने कोई साथ नहीं दिया, तो फूलन देवी ने खुद बंदूक उठा करके अपना न्याय स्वतः कर दिया। क्योंकि जब फूलन देवी को ये पता चला कि अब मुझे कहीं से न्याय मिलने वाला नहीं है, न सरकार से न्याय मिलने वाला है, न समाज से न्याय मिलने वाला है, बहुत इंतज़ार किया न्याय के लिए, लेकिन जब न्याय के लिए कोई आगे नहीं आया तो फूलन देवी ने बंदूक उठा करके अपने अन्याय अत्याचार का बदला उसने खुद ले लिया। तो ये मिसाल हैं, ये प्रेरणा हैं, खास करके जो अन्याय अत्याचार सह रहे हैं उन लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और गुलामी की 100 दिन की जिंदगी से 1 दिन की मान सम्मान की जिंदगी काफ़ी होती है। ये कुशक भंगी ने करके दिखा दिया, ये फूलन देवी ने करके दिखा दिया, इसलिए ये इन लोगों को हमें इतिहास जानना चाहिए। और यही कारण है कि इतिहास के पन्नों में इन लोगों के नाम नहीं आते, इसलिए नहीं आते कि इनकी वीर गाथाएं, इनकी बहादुरी, इनकी सोच और इनके समझ और संघर्ष को अगर आगे आने वाली पीढ़ी पढ़ लेगी, समझ लेगी, तो वो भी मान सम्मान के लिए संघर्ष करेगी, वो भी सत्ता के लिए संघर्ष करेगी, ऐसी नौबत ना आए। इसलिए ये सामंतशाही सोच के लोग, ये लोग जो है इतिहास के पन्नों से हमारे लोगों को दूर रखते हैं। इसलिए हमें गर्व करना चाहिए हमारे बहुजन समाज के इतिहासकारों पे, जो इतिहास ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ SM न्यूज़ का जो ये सीरीज चला रहे हैं, कहीं हम भूल न जाएं, कहीं हम भूल न जाएं ऐसे वीर पुरुषों को, ऐसे समझदार लोगों को, ऐसे योजनाकारी लोगों को जिन्होंने अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपनी लड़ाई लड़ी। और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी दर्शकों का जो SM न्यूज़ की इस सीरीज को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं नमन करता हूँ ऐसे कुशक भंगी को जो समाज के निचले पायदान पर होते हुए दिल्ली की सर्वोच्च सत्ता दिल्ली सल्तनत का शासक बना, 4 महीने तक शासन किया। और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी दर्शकों का, सभी को मेरा नमस्कार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।